के पत्तों का कुछ ऐसा करके लोग और भी मनोरंजन से इसमें जुड़ जाएं, और भी लोग जुड़े। तो उसने क्या किया, पहले क्या थे ने? हमारे टेरो कार्ड्स के सिर्फ सूट्स कार्ड थे, सिर्फ सूट्स कार्ड थे ये, और इसमें मेजर अर्कना के कार्ड्स नहीं थे। हमारे जो टेरो कार्ड हैं वो दो भागों में बटे हैं, एक तो मेजर अर्कना, दूसरा माइनर अर्कना। उस टाइम पर माइनर अर्कना थे, मेजर अर्कना नहीं थे। तो इन्होंने मेजर अर्कना 21 कार्ड इसमें ऐड कर दिए, जो वहां पे उस टाइम पर ट्रंप कार्ड कहलाए थे। इनको जोड़ा गया और फिर से इसको खेल खेला गया। अब जिसके पास पॉजिटिव कार्ड आता था उसका लक माना जाता था, और जिसका नेगेटिव कार्ड आता था उसको अनलकी माना जाता। खेल खेल में इनको महसूस हुआ जो भी कार्ड्स में जैसे कार्ड निकलते हैं वैसी ही उनकी लाइफ में चीजें चल रही हैं। उन लोगों ने इस चीज पर शोध करना स्टार्ट किया कि राजा ने कहा शोध कर क्या है ये, रिसर्च कर ऐसा क्यों हो रहा है कि कार्ड से जो भी कार्ड्स निकलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो लोगों की एनर्जी पे अटैक कर रहे हैं, वो वैसी ही प्रेडिक्शन आ रही है लोगों की, ऐसा क्या इसमें शोध कर। फिर उन्होंने रिसर्च करवाए, शोध कराए, और पाया कि ये कार्ड से एनर्जी एक निकल रही है, उस एनर्जी की बदौलत ही लोगों के जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं वो यहाँ पे पता चल रही हैं। अब क्या था, इन लोगों ने और भी शोध कराए और भी रिसर्च कराए, बहुत सारे इसके चीजें बदलवाई, पहले जो टेरो कार्ड थे उनके अंदर चित्र बदलवाए, धीरे 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 आज की मौजूदा हालत में टेरो कार्ड इस हाल में है, इस प्रकार के इनके चित्र हैं। पहले ऐसे चित्र नहीं थे, ठीक है, पहले बिल्कुल ही एकदम नॉन साइकिक थे, अभी क्या है ना ये साइकिक है, ठीक। इस प्रकार टेरो कार्ड का जन्म हुआ। ये टेरो कार्ड अभी सन 2010 के पहले सिर्फ और सिर्फ विदेशों में ही फेमस थे, इंडिया में इनके बारे में कोई नहीं जानता था। सबसे पहले इंडिया में मुनीषा खटवानी एक टेरो कार्ड रीडर हैं, उन्होंने बाहर से सीख करके इसको इंडिया में लाया। लेकिन इसको जैसे कि अभी भी कुछ लोग हैं जो टेरो कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं, वो हमेशा इसको बकवास ही बोलते हैं कि क्या है ये चीज़, लोगों को ठग रहे हो, तोते के राम राम पत्ते निकाल रहे हो, बोलते ना हाँ तोते महाराज से पत्ते निकलवाओ। तो इंडिया में उस टाइम पर वही चीज़ें चल रही थी, लेकिन उस चीज़ का मुनीषा को बहुत फायदा हुआ, उनके बहुत सारे बॉलीवुड कनेक्शन, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हम लोग इन चीज़ों को कहते थे अंधविश्वास है, न्यूमरोलॉजी हो एस्ट्रोलॉजी हो अंधविश्वास है, इसमें मत पढ़ना, टेरो कार्ड है इसमें मत पढ़ना, आजकल साइंस का बोलबाला है। लेकिन जितने भी आप एक्टर एक्ट्रेस को देखोगे वो ज्योतिषी को फॉलो करते हैं, वो टेरो कार्ड रीडर से रीडिंग लेते हैं, वो न्यूमरोलॉजी से काम करते हैं, रेमडीज करते हैं। सलमान खान इतना बड़ा कि वो है बॉलीवुड का एंटरटेनर किंग है, और वो हाथ में फिरोजा पहनता है, क्यों पहनता है फिरोजा, ताकि उसकी लाइफ में सक्सेस बने रहे, उसकी फिल्में हिट हो। तो इतना बड़ा आदमी अगर इन चीज़ों पे भरोसा कर रहा है तो क्या वो अविश्वासी है, नहीं कहीं। ओके, लेकिन यहाँ पे आप सभी के लिए साथ में जो शेयर करने वाले हैं वो है हमारे टेरो कार्ड्स क्या है, इसके मेजर अर्कना कार्ड्स क्या है, माइनर अर्कना कार्ड्स क्या है, इनकी हेरिडिटी क्या है, इनके जोड़ी साइन क्या है। एक मिनट में सभी के साथ में अभी धीरे से करूँगी। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रीन में आपके जो टेरो कार्ड है वो किन भागों में बटे, सबसे पहले है जो मेजर रखना और माइनर रखना, दो भागों में हमारे टेरो कार्ड बटे हुए हैं। जिनके पास टेरो कार्ड आ गए हैं, जिन्होंने कर दी थी आ गए हैं, उनको पहले आपको 0 से लेकर के 22 नंबर तक, 21 नंबर तक की आपको कार्ड मिले होंगे 22 कार्ड मेजर रखना के। इनमें सबसे पहले है द फूल का कार्ड, मेजिशियन का कार्ड, हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ऐसे करते करते आपकी एक जर्नी मेजर रखना की है, ठीक है। इसके बाद में माइनर रखना पे जाते हैं, और माइनर रखना में सबसे पहले हमारे रॉयल कार्ड हैं, इनको कोर्ट कार्ड बोलते हैं, इनको रॉयल कार्ड है। मेजर अर्कना हमारे भाग्य को बताते हैं, रॉयल कार्ड हमारे अंदर की पावर को बताते हैं, कि जितने भी कोर्ट कार्ड है हमारे अंदर की पावर की बात करते हैं, कि हमारे अंदर पावर क्या है, हम कैसे प्रकार के पर्सन हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या है। हमारे ये सारे कार्ड्स की जो है, जो ये हमारे कोर्ट कार्ड है, ये हमारी पर्सनालिटी को शो करते हैं, क्या हमारे अंदर कमियां हैं, किस पर्सनालिटी की वजह से हमारे जीवन में ब्लॉकेज आ रहे हैं, वो हमारे कोर्ट कार्ड दिखाते हैं, ठीक है। कोर्ट कार्ड में हमारे पेज यानी कि राजकुमारी, नाइट यानी कि राजा का बेटा, रानी और राजा यानी कि पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, ठीक है। इसके बाद में हमारे माइनर अर्कना का जो दूसरा भाग है, पहला भाग कोर्ट कार्ड में, दूसरा भाग हमारा सूट कार्ड में है, जो कि बैंड्स, कप्स, सोर्ड्स और पेंटाकल्स में बटे हुए हैं। हर सूट के 10-10 कार्ड हैं, 10-10 नंबर के कार्ड हैं, एक से लेकर 10 तक करके, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। होती है कि वो रिवर्स में भी रीडिंग करते हैं, ठीक है। जब आप रिवर्स में कार्ड का उल्टा होना, जैसे कि ये कार्ड हमारा सीधा है, अब इस कार्ड को सीधा लेंगे तो यहाँ पे एक लड़की है, रो रही है, परेशान है, रात को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका प्राइट में ये मीनिंग हो जाएगा, यानी कि इसके मन में एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ गया है कि चीज़ें है भी नहीं, उसके बारे में भी सोच सोच के परेशान है, जो चीज़ें उसकी लाइफ में एंजेक्ट भी नहीं कर रही हैं उनको सोच रही है। यहाँ पे जाओगे इसके बेड पर लड़ाई झगड़े करने वाले चित्र हैं, तो लड़ाई झगड़े का चित्र का मतलब है कि पास्ट में रिसेंटली किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको लेकर भी गिल्ट में है, इसको लग रहा है कि भाई मेरी गलती थी, मैंने ही बेकार में लड़ दिया, ठीक है। अब ये माइंड कीजिएगा, जितना मैं आपको टेरो क्लास में फ्री बता रही हूँ आपको क्लास में कितना बताऊंगी, इस बात को नोटिस करिएगा, ठीक है। अब ये रिवर्स में हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये कार्ड रिवर्स है। अरेंज करते हैं अपने आप भी हो सकते हैं, किसी किसी को आदत होती है कि जब वो सफलिंग और कटिंग करते हैं तो जानबूझ के रिवर्स कार्ड हो जाते हैं, करते हैं कि जो रिवर्स होंगे वो उसके ब्लॉकेज, रिवर्स कार्ड ब्लॉकेज की बात करते हैं। अब ये उल्टा हो गया, यहाँ पे इसके मीनिंग ऐसा नहीं कि मीनिंग सारी उल्टी हो गई, अभी भी एंजाइटी लेवल है, क्योंकि अभी इसको सोल्यूशन नहीं मिला है, अभी अपराइट में इसको सोल्यूशन मिलने के चांसेस हैं, रिवर्स में सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एंजाइटी लेवल को भी पार करके डिप्रेशन के महा डिप्रेशन में पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसके रिवर्स के बहुत ही अच्छे मीनिंग बताते हैं कि रिवर्स का मतलब है कि अभी तक ये अपराइट में अपनी एंजाइटी में रहेगी तो रिवर्स में एंजाइटी से बाहर आ जाएगी। लेकिन मैंने 3 साल के टेरो कार्ड के अनुभव में पाया है, टेरो कार्ड में सोर्स की मीनिंग लगभग रिवर्स में भी वही है, बल्कि उनसे ज़्यादा हाई एंजाइटी में पहुंच गए हैं। ये मेरा अनुभव है और मैं यही अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और चलिए, अभी आपको क्लासेस के समझ में आ गया। दूसरा, आपकी क्लासेस कैसे होंगी, ये व्हाट्सएप पर होंगी, पहली बात व्हाट्सएप पर होंगी, 5 दिन आपके व्हाट्सएप पर चलेंगे, हर कार्ड की मीनिंग इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग में आप तक पहुंचेगी। जब भी आपको टाइम हो उस रिकॉर्डिंग को सुनकर आप अपने नोट्स बनाते जाए, सबसे पहले नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। फिर